हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो लिब्रा कैल्क की है। लिब्रा कैल्क में क्या सीखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनके सब्जेक्ट के नाम है और यहाँ पर टोटल किया गया है। तो अभी इस हिस्से पर देखिए कुछ इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर स्केल का, तो ये आ गए हम कलर स्केल पर, ठीक है। अब यहाँ से आप जा सकते हैं और ये ऐड करवा सकते हैं, यहाँ ऐड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन। आपको क्या लेना है, जो लेना है वो आप ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लेस देन कर देता हूँ और लेस देन करने के बाद क्या करना है, यहाँ से ओके प्रेस करना है। ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, आपको जो लेस होगा एकदम से वो एकदम रेड में हो जाएगा और जो थोड़ा कम लेस होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं लिब्रा कैल्क में। और यहाँ पर की बात करें तो इस हिस्से को भी आप कर लीजिए सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद चाहे तो कलर स्केल दोबारा से लगाते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम है, परसेंटाइल है, मैक्सिमम है, सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर ऐड करवाता हूँ मैं फिर से, तो यहाँ पर आ गए और अब मैं यहाँ पर करूंगा लाइक क्या कर देता हूँ, सपोज कीजिए लेस देन करता हूँ या फिर ग्रेटर देन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन पे क्लिक किया मैंने और ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस किया, तो देखिए जो ग्रेटर है वो एकदम ग्रीन में है, ठीक है। जो थोड़ा उससे कम ग्रेटर है वो यहाँ पर हल्के ग्रीन में है और उससे भी कम और हल्का ग्रीन है, और फिर येलो कलर में ये परिवर्तित होता चला गया है, और फिर एट लास्ट जो सबसे लोवेस्ट नंबर है वो रेड कलर में आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हैं बहुत ही इजीली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।